हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे गाइड्स। तो गाइस, आज हमने देखा था कि बहुत ज्यादा फॉल आया था हमारी मार्केट के अंदर, एक बहुत ज्यादा सेल ऑफ आ गया था हमारी मार्केट में। तो उसके पीछे रीजंस क्या थे, वो रीजंस की एक वीडियो अलग से मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। और उसमें जो सबसे बड़ा रीजन था, जो अभी हमें पता चला है कि FIs ने वेडनेसडे को 5,420 करोड़ रुपए की सेल ऑफ करी थी, सेलिंग करी थी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से आज हमें मार्केट में बहुत ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिला था। गाइस, और भी कुछ बड़े रीजंस हैं जो अभी पता चले हैं, जो अभी न्यूज में आए हैं, तो वो पूरी वीडियो मैं आपके साथ आज रात तक या शेयर कर दूंगा, या इसकी अगली जो वीडियो बनेगी वो उसी के ऊपर बनेगी, तो उसको ज्यादा ध्यान से जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। सो गाइस, जो मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट करे थे, उसमें से जो सेल वाले स्टॉक्स थे उसके तो टारगेट हमें अचीव हो गए थे, पर जो बाय वाले थे उन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म करा था। सो गाइस, अब हम देख रहे हैं कि मार्केट जब भी कोई नया पैटर्न बना रही है, जब भी मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो नया पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो वही निफ्टी के अंदर आली चार्ट्स में हमें एक नया पैटर्न और देखने को मिला है, जिसे हम कहते हैं मेजर्ड शेप पैटर्न। सो गाइज, आपने अगर फ्लैग शेप पैटर्न सुना होगा तो बिल्कुल उसका सेम ही पैटर्न होता है, मेजर्ड शेप पैटर्न। तो वही तरीके का हमें निफ्टी आली चार्ट्स के अंदर वो पैटर्न डेवलप होते हुए देखने को मिला है। तो उसके बारे में भी आपको मैं अभी इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमें कल बाय या सेल करके चलने हैं। मैकडोवल्स, जिसका भी मैंने आपको कॉल ऑप्शन बाय करवा के रखा हुआ है 8 रुपए में, अभी ये कुछ समथिंग 7 रुपीज 40 समथिंग पैसे में चल रहा है। तो अब इसे अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सपायरी के अंदर अंदर। वी गार्ड, बालकृष्ण इंडस्ट्री, SRF और UBL। मैकडोवल्स बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको 649 654 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 632 का लगा के चलना है मैकडोवल्स के अंदर। वी गार्ड सेल करने की सलाह दी जाएगी 206 203 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 213 का मेंटेन करके रखना होगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सेल करने की सलाह दी जाएगी 888 की टारगेट के साथ, 879 टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 911 का मेंटेन करके रखना है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर। हमने देखा था इसमें एक जो इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल या सपोर्ट हम कह सकते हैं, उसे आज इसने ब्रेक करा था। सो अब हम कह सकते हैं कि अगर ये थोड़ा और ऊपर आपको मिलता है, या 900-905 के आसपास अगर आपको ये कल मार्केट में मिलता है, तो अगर आप इसे वापस बेचेंगे आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। SRF सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 2091-2084 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको इसका 2116 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा गाइस। UBL बाय करने की सलाह दी जाएगी, इसने एक जो इसका रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, उस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है ये, और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पहुंचा है। तो अगर कल मार्केट ना ज्यादा गिरती है ना ज्यादा बढ़ती है, तो अगर ये मार्केट रेंज में भी रहती है एक, तो शायद UBL आउट परफॉर्म कर सके मार्केट पे और अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सके। तो 1234-1249 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको इसका 1210 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो गाइस, अब मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में आज मैं आपको रेंज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी रेंज थी वो ब्रेक हो गई थी। तो ये आप चार्ट देख ही रहोगे, तो ये एक आर्ली चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने एक अपमूव करी थी, उसके बाद एक रेंज में ही चल रहा था मार्केट। और रेंज में आप देख सकते हैं इसमें ये आप देख सकते हैं रेंज में इसने एक मेजर्ड शेप पैटर्न बनाया है, और हायर हाइज और हायर लोज बना रहा था ये। तो आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, और उसका जो प्रीवियस लो था उसे ब्रेक नहीं करा। और अब आप देख सकते हैं जो सेल ऑफ आ रहा है वो इस ट्रेंड लाइन, जो एक मेजर्ड शेप पैटर्न की ट्रेंड लाइन बनी हुई है, उसके पास पहुंचने वाला है, जो कि लेवल है 10,540 का। गाइस, एक जो स्ट्रांग सपोर्ट हम कह सकते हैं 10,540 पे आ रहा है, और जो दूसरा एक सपोर्ट आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि इस लाइन पे आ रहा है, जो कि है 10,480। तो वही मैंने आपको दिया 10,530 और 10,480 जो हमारे टारगेट्स हैं। निफ्टी वहां तक जाने की कैपेसिटी है, उसमें पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी 10,540 से भी बाउंस बैक कर जाए, यानी कि इस ट्रेंड लाइन से भी बाउंस बैक कर सकता है, या फिर अगर यहां से नीचे जाता है तो वो 10,480 पे भी एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना है 10,670 का रखना है, क्योंकि जो एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट का काम कर रहा था 10,650 का, उसे भी मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया था गाइस। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी आपको सेल करके चलना है। जो आपका मैंने आपको पहला टारगेट दिया था, जो मैंने आपको रेंज बताई थी, अपर रेंज बताई थी, वही हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा। टारगेट हमारा 26,120 और 26,075 का है।
तो गाइस बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी आप स्ट्रैटेजी समझ गए होंगे किस तरीके से आपको वर्क करना है। और जो मैंने आपको बताया था जो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से मार्केट में इतना खासा सेल ऑफ आ रहा है, जो मार्केट गिर रही है, यूएस मार्केट को इतनी ज़्यादा गिर रही है और एशिया मार्केट में क्यों सेल ऑफ आ रहा है, उसके जो चार बड़े रीजंस हैं उसकी अगली वीडियो भी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, जिसमें से मैंने बता दिया कि FIIs ने 5,420 करोड़ की सेलिंग करी थी एक ही दिन के अंदर अंदर और वो हमारी मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई थी और आज ही हमारी मार्केट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिर गई थी। सो गाइस अगली वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं जो भी मैंने आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज दी थी NMDC IOC और मैकडोवल्स के ऊपर। मैकडोवल्स में आज बाइंग रेंज आ गई थी तो आज अब मैंने भी बाय कर लिया, अगर आप लोगों ने भी बाय कर लिया होगा तो 8 रुपीज में तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। NMDC सब लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने NMDC के इतने शेयर्स 94-93 पे ले रखे हैं। सो गाइस अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ आप इसे होल्ड करके रखिए, NMDC को मैंने भी होल्ड करके रखा हुआ है, आपको ये अच्छा खासा रिटर्न देकर जरूर जाएगा। और IOC भी आपको जो मैंने बताया था IOC भी हमें अभी प्रॉफिट दे रही है, 3,000 रुपये समथिंग का प्रॉफिट अभी IOC हमें दे रही है। हम देख पा रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो 60 के नीचे वापस चली गई है, तो वो हमारी IOC या जो HPCL BPCL है उन्हें थोड़ा और अपमूव दे सकते हैं, बढ़ने की वो कोशिश कर सकते हैं। पर जो चार्ट्स क्लियरली हमें शो कर रहे हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ चुकी है IOC और वहाँ से एक और गिरावट आ सकती है। सो गाइज एक पॉइंट हमें सजेस्ट कर रहा है कि हमें IOC को सेल करके रखना है, हमें पुट बाय करके रखनी है, होल्ड करके रखनी है, और दूसरा फैक्टर सजेस्ट कर रहा है कि अब यहाँ से हमें निकलने का टाइम आ गया। सो गाइज अभी आप लोग प्रॉफिट में हो, जो आपका स्टॉप लॉस है मैं उसे बताता हूँ, आप रिवाइज कर लीजिए। स्टॉप लॉस आपको 1 रुपये में ही रखना होगा IOC का, उसके नीचे जाता है तो आप IOC से निकल जाइए। जो मैंने आपको बाइंग प्राइस बताई थी IOC की 1.40-1.50 के अराउंड मैंने आपको IOC की बाइंग प्राइस बताई थी, जो भी 2 रुपये में चल रही है, तो 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करके IOC को होल्ड करके रखिए, उसे ब्रेक होता है तो एग्जिट कर जाइए, वरना आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। जैसे ही आपको 50-50 पैसे मिलते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेकर जाइए और NMDC और मैकडोवल्स को होल्ड करके जरूर रखिए। गाइज इस टाइम है आपको अच्छे स्टॉक्स में बेट करना, अच्छे स्टॉक्स आपको बाय करके रखने, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकती है, कभी भी हमें मार्केट सरप्राइज कर सकती है और हम फिर एक और ऊपर के लेवल्स बढ़ते हुए देख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन के बारे में कि 10,540 या 10,480 पे मार्केट सरप्राइज करके ऊपर जा सकती है और जब वो ऊपर बढ़ना शुरू होगी गाइज तो 11,100 के लेवल को वो जरूर टेस्ट कर लेगी इस महीने, यानी वरना अगले साल के मंथ के अंदर ही हमें मार्केट 11,100 या 11,200 तक टेस्ट कर सकती है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको नॉलेजेबल फैक्ट्स पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और उस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। उस वीडियो के लिए मैं आपको बता दूंगा कि वो वीडियो कब आने वाली है और आपको पहले से ही नोटिफिकेशन अगर चाहिए होगा तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिसको आपको पता चल जाए कि वो वीडियो कब अपलोड हो रही है। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।